अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। मैं समझ गई कि तुम देश के लिए लड़ रहे हो। I'll take care of this case. Don't worry अभी मैं। No ma'am, the case is closed. दूसरे महायुद्ध को हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। सारी कंट्रीज इस कोशिश में लगी हैं कि तीसरा महायुद्ध ना हो। वे सभी बहुत से समिट और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पर उन्हें एक बात का पता नहीं है कि तीसरा महायुद्ध तो कब का शुरू हो चुका है। उसका नाम है अंडरवर्ल्ड। पहले शॉट में निशाना लगाना है। आज तक पहले शॉट में किसी ने निशाना नहीं लगाया। मैं कम इन सर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। पता चला है कि सबकी पोस्टिंग्स हो रही हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम करने की मेरी बहुत इच्छा है सर। बचपन से मैंने अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है। सर प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट। सुनो अभी, तुम्हारी पोस्टिंग पहले ही हो चुकी है, तो फिर शुरुआत से ही तुम्हें अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से क्यों भिड़ना है? पहले पुलिस स्टेशन में एसआई बनकर काम करो, समझे तुम? यस सर। पहले तुम्हें 2 साल कुछ नहीं लगेगा, बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पुलिस बनना होता क्या है। तो चिंता करना छोड़ो एंड गिव योर बेस्ट। ओके सर। अभी सर मौका ना मिलने से हताश मत हो। तुम्हारे पास जो भी है उससे तुम्हें मौके तैयार करने पड़ेंगे। यस सर। गुड लक। चलता हूं सर। ए, कहां पोस्टिंग मिली, पाकिस्तान या बांग्लादेश? कोल्हापुर। ए, हंसो मत, मजाक नहीं। हाँ मजाक नहीं, सीरियस। हाँ सीरियस। अरे फिर से हंस रहे हो। हैप्पी जर्नी भाई। आप इस गांव में नए आए हैं बाबू? जी हाँ। आपका नाम क्या है? अभिमन्यु। दीर्घायुष्मान भव, इष्टकामयार्थ फल सिद्धिरस्तु। तैयारियां किस बात की? कल 15 अगस्त है ना सर, फ्लैग होस्टिंग करना है। हम सब उसकी तैयारी कर रहे थे। कितने बजे है फ्लैग होस्टिंग? सुबह 8 बजे सर। हाँ सर। अच्छा, हमें आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 सर। ओह, टाइम? रात को 12 बजे सर। हाँ हाँ सर। बहुत से महापुरुष आजादी के लिए लड़े और रात को 12 बजे हमें आजादी मिली, और हम लोग आराम से सोते हैं और सुबह आराम से उठते हैं, और जब हमारा मूड हो तब अपने हिसाब से 8 बजे 9 बजे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। हाँ, स्वतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन बनकर रह गया है। सर आप हमें सिर्फ बताइए हमें क्या करना है सर। सबको जाके बोल दो कि इस पुलिस स्टेशन में सुबह 6 बजे फ्लैग होस्टिंग होगी। मीडिया को बुला लो। यस सर। गांव के बुजुर्गों को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाओ। सब लोग आएंगे लेकिन मुखिया नहीं आएगा। क्यों, वो बुजुर्ग नहीं है क्या? सर अगर दारू और लड़कियां नहीं होगी तो वो नहीं आने वाला। पिछले एसआई और मुखिया दोनों रात में दारू पीकर स्वतंत्रता दिवस मनाने आते थे। सर बात यह है कि पिछले एसआई का ट्रांसफर मुखिया की वजह से ही हुआ था। मुखिया का बेटा और उसके दोस्त बोट पर जो भी लड़कियां अकेली होती थी उनका रेप करते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक लड़की का रेप करने की कोशिश की लेकिन उसने नदी में छलांग लगा दी। लड़की की किस्मत अच्छी थी, एक मछुआरे ने उसकी जान बचा ली। लेकिन अगले दिन पुलिस स्टेशन में मुखिया, उसके बेटे और एसआई ने उस लड़की की शिकायत दर्ज नहीं होने दी। लड़की अपने बाप के साथ रोते हुए वहां से चली गई। आपको पता है सर उसके बाद मुखिया ने एसआई के साथ क्या किया? कौन थी, बीवी थी क्या? नहीं, मेरा बाप था। किसी गांव में मेरा ट्रांसफर किया गया है। बहुत अच्छा काम किया। ए, गाड़ी निकालो रे,
अरे बाप। सर ये क्या है सर, मुझे लगा आप मेरी मदद करेंगे। तुम तो अब फटे हुए 10 के नोट की तरह हो, अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। ए, जल्दी से नए एसआई के घर ड्राई फ्रूट्स भेज दो। ए, चलो रे। पुलिस वाला चाहे नया हो या पुराना, उसका काम है गुनहगार को पकड़ो और जेल में डालो। तो अच्छा होगा कि आप ये परंपरा बंद ही कर दो। सही कहा, ये एसआई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज रात का खाना तो आपको मेरे घर पर ही खाना होगा। वो किस खुशी में? अरे यहाँ के पुलिस वाले मेरे घर पर दावत खाने के लिए तरसते हैं। मैं खाता नहीं हूँ, खिलाता हूँ। तो टाइम निकालिए, दोपहर और रात का खाना मैं आपको खिलाता हूँ। हवलदार सब तैयार है? झंडा लहराइए। आप नहीं, आप। कैसी रही? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है राजाराम? कल रात के झंडा रोपण के फोटो फेसबुक पर डाले थे, एक भी लाइक नहीं मिला। फेसबुक पर देशभक्ति ढूंढ रहे हो, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, केसेस का क्या प्रोग्रेस है? कौन से केस सर? राजेश्वर की मुर्गी लापता है, उसका पड़ोसी गोपाल शक के घेरे में है। रमेश के घर से 3 कुर्सियां गायब है, उसने अपनी साली के खिलाफ कंप्लेंट की है। बिल्लू के साइकिल की घंटी गायब है, उसने जीजा के खिलाफ केस दर्ज किया है। केस के बारे में बता रहे हो या जोक सुना रहे हो? सर ऐसे ही तो केसेस हम कई सालों से दर्ज कर रहे हैं। ये आवाज किसी? सरस्वती विद्या निकेतन से है सर, वहाँ अनाथ बच्चों को मुफ्त में सिखाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि भगवान मंदिर में बसते हैं या नहीं, ये हेडमास्टर इस गांव के भगवान हैं। वो कई अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम अभिमन्यु, इस गांव का नया एसआई। मिलकर खुशी हुई, यहाँ कुछ काम से आए हो? सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, मैं भी एक अनाथ हूँ। पढ़ाई करते समय मुझे बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी, मैं हर दिन बस यही सोचता था कि मेरे जैसे दिन किसी पर ना आए। आप यहाँ इतने सारे बच्चों को सिखाते हो ये जानकर मैं खुद को रोक नहीं पाया सर, आप सच में बहुत महान हो। यू आर रियली ग्रेट सर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन बहुत से लोग मेरी मदद कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरा स्टाफ जो बहुत ही कम तनख्वाह में काम कर रहा है, और बहुत से NRI उनकी क्षमता से मदद कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं। अरे अरे संभल कर, शिखा क्या हुआ बेटा? सॉरी सर। सर ये लड़की मेरी स्टाफ से, इंग्लिश टीचर। ओहो, क्या मैं यहाँ के स्टाफ से मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये गुरुमूर्ति हमारे वाइस प्रिंसिपल, इन्हें हमारे स्टाफ से मिलाइए। आइए। हाँ थैंक यू सर। प्लीज। ये कृष्णमूर्ति हैं। नमस्ते सर। नए SI पवन, लता। नमस्ते। मालती, ये शिखा। यहाँ तो कोई नहीं है, नीचे देखिए सर। ये हमारे गांव के नए SI हैं, इंग्लिश टीचर। मैं लक्ष्मी हूं। छोड़िए ना इन लक्ष्मी वश्मी को, मुझे इनके बारे में कुछ बताइए। देखो कैसे घूर रहा तुझे, चल। चलिए सर। तुम्हारे फैमिली में किसी की लव मैरिज नहीं हुई क्या? सभी की लव मैरिज हुई थी, तभी तो ये हाल है। शांत हो जाओ राजाराम, वो लड़की थोड़ी सी मोटी लग रही है सर। मेरे जैसे इंसान की ऐसी स्ट्रांग बीवी होनी चाहिए। शिखा, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? नहीं तो नहीं। क्यों? पीछे मुड़कर देखो। शिखा देखो, वो तेरी तरफ ही देख रहा है, चल। अरे चलिए चलिए। राजाराम सर, ये कौन है? जुआ खेलते पकड़ा है सर। मूड नहीं है राजाराम, छोड़ दो उन्हें। ए चलो निकलो। ए काई की दो, ए तुम्हें क्या लगा तुम बोलोगे मूड नहीं और हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे? हो मारो ना बेल्ट बाबजी, छे मेरे बारे में सुना नहीं है क्या? ए चुप ना, ए जानता नहीं क्या? बापड़ा खवाई दी।
बेल्ट बाबूजी, किस चीज का बेल्ट? बेल्ट का मतलब कि इसके बेल्ट की 5 दुकानें हैं। जुए में 5वीं दुकानें हार गए, अब सिर्फ एक बेल्ट बचा है, इसलिए इसे सब बेल्ट बाबूजी कहते हैं। अच्छा, तो सारा दिन क्या करते रहते हो? मैं हर रोज सुबह उठता हूँ और फिर नदी पर लड़कियों को छेड़ता है, पछी दोपहर में मुखिया के खेतों में जुआ खेलता है, और शाम होते ही मैं दारू पीकर दंगा करता है। बहु मजा आए थे। बाप रे, कितना बिजी है। इन गधों को अंदर डालो, जाओ जाके रूम खोलो। सर, गधा किसको बोला? तुम देश के भविष्य हो, कह दो फिर से नहीं करोगे। देखो सर, मुझसे इज्जत से बात करो। गाली केम काड़ी? अबे देश के भविष्य मतलब गाली नहीं होती। गाली नहीं छे। अरे यार, इनका साइन लेकर इन्हें लॉकअप में डाल दो यार। साइन नहीं, लिखना नहीं आता। राजा राम, इसे लिखना नहीं आता। शादी मुबारक हो सर। शिखा शिखा शिखा, मुझसे बात तो कर लो। चलिए सर, अंदर चलिए। चलो, तुम दोनों यही बाहर रुको, कोई आए तो आवाज देना। आ गए तुम? दरवाजा बंद कर दो। बंद करूं? क्या बात है। जरा पास आओ। पास आऊं? तुम पास आए तो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। अभी यही सही वक्त है, आओ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हो? कैसा दिखता है ये? अच्छा दिखता है। इसका नाम प्रभाकर है। ओके। चेन्नई में IAS ऑफिसर है। मुझसे शादी करने के लिए 2 साल से मेरे पीछे पड़ा है। मैंने मना कर दिया। और ये कैसा है? ठीक ठाक है। इसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ मुझसे शादी करेगा ऐसा कहता था जब इसके सिर पर बाल थे तब। पर अब ये गंजा हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ए, इसे मैंने कहीं देखा है। ये तुम हो? अच्छा, मैं हूँ। बताओ, ये दोनों तुमसे ज्यादा बेहतर है ना? तो अगर मेरा पीछा करोगे तो गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट, और घंटों मेरा पीछा किया तो टाइम वेस्ट। तो अब से ये सब तुम्हारी हरकतें करना, बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना, ये सब बंद कर दो तुम। हाँ, और अपने काम पर ध्यान दो। ओके, तुम्हें उसकी पगार मिलती है। फिर भी मेरी फोटो मोबाइल में रखकर मुझे एक ऑप्शन रखा, मेरे लिए काफी है। अच्छा, इसलिए दरवाजा बंद करवाया? हाँ, और क्या, तुम्हें क्या लगा? मुझे तो बहुत कुछ लगा, लेकिन क्या करें। हेलो मैडम, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझे कुछ मत करो। सु कह दूं? अगर तुमने कोऑपरेट किया ना तो जल्दी खत्म हो जाए। समझी गई? ए, कौन है रे? डैडी अभी गया। वेलकम डैडी। ए, मारो इसे। ए, सु मारी दो, कुछ भी बोलता है। डैडी मारो, इन गुंडों से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो फाफड़ा जलेबी के लिए आया था, ये लोग लड़की को छेड़ रहे थे, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। चालीस हूँ। इससे इतना क्यों डर रहा है? इस पुलिस, he has a big gun. I am sorry. Daddy, वो स्कूल जाऊ चु। फिर से किसी लड़की को अगर छुआ भी ना? नहीं सर, नहीं करूंगा। दोबारा कभी बोर्ड पर आए तो? नहीं आऊंगा सर। गोली सर के अंदर होगी सर। राजा राम, चलो। गांव के बाहर 100 चेकपोस्ट लगा दो, मेरी परमिशन के बगैर कोई आएगा जाएगा नहीं। सब डिटेल्स इस फाइल में है। हेलो। हेलो एसआई साहब, आपके गांव का हेडमास्टर इंटरनेशनल क्रिमिनल है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ वो छोड़ दो, हेडमास्टर को गिरफ्तार करो, सब पता चल जाएगा। हेलो हेलो, कौन था सर? कोई अनजान आदमी था, स्कूल के हेडमास्टर क्रिमिनल है, अरेस्ट करो बोल रहा था। सर, मुखिया के हेडमास्टर से कई सालों से बनते नहीं है, ये जरूर वो मुखिया ही होगा। आई सी। भीम सर, मुखिया पर कड़ी नजर रखो, तुम इस कॉल के बारे में जानकारी निकालो। ओके सर। ओके सर। राजा राम। यस सर। उस स्कूल पर भी नजर रखना। क्यों सर, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कहा है वैसा करो। सुनो, हम कहाँ जा रहे हैं? चल ना, बताती हूँ।
लक्ष्मी सुनो, बताओ ना मुझे। वो अभी से मिलने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। इतना शर्मा क्यों रही हो? उस दिन तुम्हें देर हो गई थी, इसीलिए अभी तुम्हें बाइक पर लाया था ना। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तुम और अभी? चुप कर, अभी अच्छा इंसान है। उस दिन जब मुझे देर हो गई थी इसीलिए मैं अभी को थैंक्स बोलने जा रही हूँ। वैसे तुम अभी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चल। वो देखिए सर, बात करनी है। ए? अरे इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। शर्मा रही है सर, शर्मा रही है। अरे तो वैसा हमें करना चाहिए। हिचकिचा रही होगी सर। तो हमें बताना चाहिए ना। कैसे बताएगी? कैसे बताएगी? तभी तो दोस्त के साथ आई है। प्यार में कॉन्फिडेंस के साथ साथ पेशेंस भी होना चाहिए। हड़बड़ी में आप पेशेंस छोड़ देते हो। क्या? एक्सक्यूज मी, आपका शुक्रिया। अगर आप टाइम पे नहीं आए होते तो मेरी दोस्त ने ये। तुम्हारी दोस्त मुझे देखे बिना ही क्यों चली गई? पहले पूरी बात तो सुन लो। थैंक्स मेरी तरफ से है, चॉकलेट उसने भेजा है। सर मुझे भी बन गया। कहाँ जा रहे हो? रुको, रुको। जात और परंपरा के बारे में ना सोचो, तो मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा, इसलिए तुम दोनों की शादी में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति है। इस बच्ची की शादी में थोड़ी सी देरी हो गई तो ये बेचारी अकेली है। इसकी शादी के बारे में आप सब इसकी राय नहीं लोगे क्या? मुझे मंजूर है दादाजी। इस घर पर तो औरतों का राज है। तुम्हें स्कूल में बच्चों को सिखाने के लिए भेजा था और तुम इससे प्यार का पाठ सीख कर आ गई। अरे रे 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 दादाजी, आजकल तो ये बहुत कॉमन है और आप कह रहे हो कि? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे खानदान में कोई दूसरे जाति के लोगों से शादी करता है क्या? कौन नहीं करता दादाजी, अभी अभी शास्त्री जी की बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज की है। पापी कहीं की, पूरा खानदान ही भ्रष्ट कर दिया। अरे रे रे, इतने सख्त दिल मत बनिए, आपको छोड़कर सारा मोहल्ला इस शादी से खुश है। आजकल यही तो ट्रेंड चल रहा है, क्यों बोलना। हाँ दादाजी। तुम्हें करनी है तो तुम कर लो शादी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, इसकी शादी होने से पहले मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। दादाजी, दादाजी, डोंट टच मी। तो ठीक, छूना मत मुझे। अरे ए, 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 बेवकूफ, मेरे कमरे में क्यों जा रहे हो? अरे रुको रुको। अरे दादाजी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ दादाजी? अंडरवर्ल्ड और उसकी एक्टिविटी के बारे में हमारी रिसर्च तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। वो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। आसान शब्दों में कहूं तो हम 3G या 4G इस्तेमाल करते हैं और वो 8G करते हैं। ओह, आई सी। हेलो, मेरी बात समझ में नहीं आई, आप हेडमास्टर को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन हो तुम? मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्या गारंटी है कि तुम सच बोल रहे हो? कई बार विश्वास पर जिंदगी निर्भर करती है, आपको विश्वास करना होगा। क्रिमिनल्स हमारे बीच ही रहते हैं, उन्हें अरेस्ट करना होगा। मैं सबूत के साथ आपके सामने आऊंगा। हेलो हेलो, ट्रेस नहीं हो रहा, शायद सैटेलाइट कॉल था। क्या कह रहा था? एक आदमी कह रहा है कि हेडमास्टर क्रिमिनल है, नंबर भी नहीं दिखता, ट्रेस भी नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर, अगली बार 2 मिनट तक बात कर, आराम से ट्रेस हो जाएगा। सारी डिटेल्स निकाल लो। हाँ, सर बोलिए सर। क्या कर रहा है वो मुखिया? यहाँ मिल में कुछ काम कर रहा है वो सर। मुझे फिर से अननोन कॉल आया था। हाँ,
कैसे सर? मैं यहाँ एक घंटे से हूँ, मुखिया ने कोई कॉल नहीं किया। मुखिया ने नहीं किया तो किसने किया? मैं कुछ भी नहीं जानता सर। ठीक है, काम करो, हेडमास्टर को मेरा नाम बताकर पुलिस स्टेशन पे ले आओ। उन्हें पुलिस स्टेशन में लाया तो प्रॉब्लम हो सकती है सर। जो कहा है वो करो। ओके सर। एसआई साहब, गुड आफ्टरनून सर, आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? आपका कोई दुश्मन तो नहीं है ना? दुश्मन? हाँ। मेरा? नहीं तो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा है कि कई दिनों से मुझे कुछ लगातार अननोन कॉल्स आ रहे हैं। आप स्कूल की यार्ड में कुछ क्राइम कर रहे हैं ऐसा उसका कहना है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा सर। जब भी हम आपको बुलाए आपको स्टेशन में आना होगा। हाँ, आ जाऊंगा। और कोई बात? नहीं नहीं, तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हेलो, डीजीपी हियर। सर, तुमने हेडमास्टर को थाने में क्यों बुलाया? सर वो क्या है कि मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, ध्यान रखो फिर से ऐसा ना हो। आई एम सॉरी सर। माइंड इट। अच्छा सर। राजाराम। हाँ सर। डीजीपी का फोन आया था। क्या कहा? ये फोन सीआई या फिर एसपी ने करना चाहिए था, हेडमास्टर के लिए डीजीपी ने कैसे फोन किया? डीजीपी और हेडमास्टर क्लासमेट्स थे सर। अच्छा, पिछले साल वो एनिवर्सरी फंक्शन में भी आए थे। अच्छा हुआ, शादी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, एक काम करो। बोलिए सर। हमारे आदमियों से कहो कि हेडमास्टर या उनके स्कूल में ना जाए, समझ गए? ओके सर। क्यों सर, दोनों तरफ से आप ही खेल रहे हो? खेल तब आसान हो जाता है जब हम सामने वाले खिलाड़ी को जानते हो। कुर्सी ले। ठीक है सर, मेरी शादी हो रही है, कार्ड देने आया था। किससे? साक्षी से। हाँ सर, आपको जरूर आना है सर। हाँ बिल्कुल आऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कहने से रुकने के लिए, ना तो ये तुम्हारा स्कूल है और ना ही मैं तुम्हारा स्टूडेंट, आज मैं तुम्हारा टीचर हूँ। ओवर एक्टिंग बंद करो। मुझे एक डाउट है, क्लियर होने के बाद सुहागरात। डाउट क्लियर करने के लिए ही तो सुहागरात होती है। मेरा मतलब वो नहीं, उस दिन तुमने दादाजी को कैसे मनाया? वो तो फैमिली का मैटर है, उस बारे में अभी क्यों बात करना? मेरी फैमिली का मैटर तो मुझे क्यों नहीं बता सकते? अरे ऐसी बात नहीं है, समझा करो। जल्दी से बताओ, ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। समझ गया। बेडरूम के अंदर सिर्फ बीवी ही बॉस होती है। हुँ? तो सुनो। क्यों रे, दादागिरी करके मुझसे मनवाना चाहते हो? तुम मेरे पैरों में गिरोगे तो भी नहीं मानूंगा, मेरा हाथ पकड़ोगे तो भी नहीं। ये जख्म कैसा? चाकू लग गया था। ये हुआ कैसे? वो ऐसा है कि उन दिनों मैंने भी बहुत लड़ाइयां लड़ी थी। मुझे उस रक्तपात के बारे में अब बात नहीं करनी है। उसके बारे में मैं याद दिलाऊं? क्या? जी हाँ, आपकी प्रेमिका सविता, उसके बाप ने आपका हाथ काटा था। मुझे वो कुछ याद नहीं है। वैसे भी हमारे परिवार में 7 पीढ़ियों से कोई भी कभी प्यार में नहीं पड़ा। वन मिनट। ये कौन है? सविता दिख रही है। अरे मूर्ख कहीं के? जात एक न होने की वजह से तुमने अपने प्यार की कुर्बानी दी थी, अब तुम इन बच्चों के प्यार के बीच में आ रहे हो।
ये देखो लड़का बहुत अच्छा है, जाने मत देना। अब तुम मानते हो कि मैं आऊँ वहाँ पर? छोटे मैटर के लिए तुम्हें आने की क्या जरूरत है? तुमने कह दिया ना कि लड़का अच्छा है तो बस। ऐसा हुआ था, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो मैंने तुम्हें अंदर की सारी बात बता दी, अब मैं सुहागरात किए बिना ही यहाँ से जा रहा हूँ। अभी अभी मेरे करीब आओ। करीब खूबसूरत लग रही हो। क्या सर, ऑफिस नहीं जाना क्या? जाने का मन नहीं कर रहा है। जाओ ना। कहाँ ना नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती मत करो। हेलो एसआई साहब। हे कौन हो तुम? मजे कर रहे हो? जबान संभाल के बात करो। एक डीजीपी हेडमास्टर के लिए फोन क्यों करेगा? वो उसका क्लासमेट है तो क्या हुआ? उससे इतनी हमदर्दी क्यों? तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसके बारे में सोचो एसआई, नहीं तो ये पुलिस की वर्दी उतार दो। ए, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो तुम क्या हो ये बताओ। अभी अभी वो कौन है? वो फोन क्यों कर रहा है? क्या वो सच कह रहा है? इंक्वायरी से पता चला कि डीजीपी बंगाली है, तो हेडमास्टर और डीजीपी क्लासमेट्स कैसे हो सकते हैं? इस बारे में और छानबीन करनी पड़ेगी। आपको कुछ मिला है? सिर्फ एक अनजान फोन कॉल के बलबूते पर इस तरह चुपके से घर में घुसकर तलाशी करना कितना सही है? मैंने कहा नहीं था? जितना मुमकिन होगा मैं उतनी मदद करूंगा। सॉरी सर, पर मैं उस कॉल की वजह से यहां तक नहीं आया हूं। उस दिन आपके स्टेशन से जाने के बाद मुझे डीजीपी ऑफिस से फोन आया था। इंक्वायरी में पता चला कि आप और डीजीपी क्लासमेट्स हो। डीजीपी की पढ़ाई कलकत्ता में हुई है और वो बंगाली है। आप दोनों क्लासमेट्स हाउ? यही बात जानने के लिए मैं यहां पे आया हूं। मैं कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूं। सॉरी सर, हम अच्छे दोस्त हैं। मैं पुलिस वाला हूं, शक करने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया डीजीपी सर ने आपके लिए क्यों फोन किया था। किसी ने मुझे झूठे फोन कर करके परेशान कर रखा है। मैं पहले उससे निपटता हूं, चलता हूं सर। सॉरी सर। पुलिस वाला हूं, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। यू आर अंडर अरेस्ट। सुनो जल्दी से हेडमास्टर के घर पे आओ। कम ऑन क्विक, मूव, कम फास्ट सर। इमरजेंसी कॉल सर। क्या हुआ इतनी रात को? हमारे गांव के हेडमास्टर के पास 7 जाली पासपोर्ट मिले हैं सर, उसे अरेस्ट कर लिया है मैंने।
तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे पास सारे सबूत हैं सर। मैंने वो सारे पासपोर्ट डीएसपी ऑफिस में फैक्स कर दिए हैं सर। गांव वालों को पता चला तो बवाल मच जाएगा। सिक्योरिटी हो तो इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ। इतनी रात को कौन आएगा? पास के किसी स्टेशन में शिफ्ट कराओ। तेज चलाओ यार, तेज। किसने कहा था सिक्योरिटी के बिना इतने बड़े क्रिमिनल को ले जाने के लिए? अब मैं मीडिया को क्या जवाब दूंगा? अटैक होने से पहले मैंने जानकारी भी दी थी, आपको फैक्स भी किया था, आपके टेबल पर है सर। इन्होंने मुझे सिक्योरिटी के बिना शिफ्ट करने के लिए कहा था सर। ये तुम क्या कह रहे हो? सर इन्होंने मुझे आधी रात को फोन किया था। यू आर सस्पेंडेड सर, जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। सर 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 सर, कोल्हापुर का हेडमास्टर अरेस्ट होते ही भाग गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है सर? अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमला जिसने भी किया था, 24 घंटे में हम उसे हर हाल में पकड़ लेंगे। अगर मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए भी पुलिस स्टेशन में बुलाऊं तो डीजीपी फोन करता है। अगर वो तुम्हें भगा देता तो? इसलिए मैंने नकली हमला करवाया। तुम तो एक साधारण स्कूल हेडमास्टर हो, तुम्हें गन की क्या जरूरत? मोहम्मदुल अफजल खान फ्रॉम दुबई, माइकल फ्रॉम मलेशिया, अब्दुल कादर फ्रॉम अबुधाबी, ये सब पासपोर्ट क्या है? असल में तुम कौन हो? तुम्हें ये वर्दी सिफारिश करके मिली है क्या? मिल गई, पासपोर्ट भी मिल गए, बिना छानबीन के सबूत इकट्ठा किए और उन्हें कोर्ट में पेश भी नहीं किया, और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? इसलिए मुझे शक हुआ है। मैं कोई बच्चा नहीं तुम्हें सारे जवाब दे दूं। मैं भी कानून जानता हूं, मैं क्रिमिनल हूं। तुम्हें जिस जवाब की तलाश है ना, वो इन पासपोर्ट्स में ही छिपा हुआ है। तुम्हें तो ढूंढ कर दिखाओ। तुम्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, चाहे तुम मुझे पाताल में क्यों ना छुपा दो। तुम अभी बच्चे हो, जवाब नहीं मिलेगा, छोड़ दो। मैं तुम्हें ढूंढ कर दिखाऊंगा। तुम बिल्कुल नहीं ढूंढ पाओगे। जब कोई कहता है कि मैं नहीं कर सकता तो मैं वो करके दिखाता हूँ। ये खाकी मैंने ऐसे ही नहीं कमाई है, तुमने मेरा ईगो हर्ट किया है। मैं तुम्हें इस वर्दी की हाउस पावर दिखाऊंगा। मैं ये केस 7 दिनों में बंद करके तुम्हें जेल में भिजवाऊंगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं ये खाकी उतार दूंगा, और तब तक टेक अ ब्रेक। गांव में एक हेडमास्टर को 7 जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके अंडरवर्ल्ड डॉन वसीम भाई के साथ संबंध है। गुड मॉर्निंग गाइस। जनीवा, 24 अक्टूबर वहां यूएनओ का समिट होने वाला है। 22 देशों के प्रेसिडेंट्स इस इंटरनेशनल समिट में आएंगे और एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए।
सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हम उसको तोड़ने की ताकत रखते हैं। अंडरवर्ल्ड हैज टू रूल द वर्ल्ड और इस ऑपरेशन में कोई भी बचना नहीं चाहिए। और हमारा ये ब्लास्ट देखकर पब्लिक से लेकर पॉलिटिशियंस तक सभी अंडरवर्ल्ड का नाम सुनकर कांपने चाहिए। दुनिया के टॉप 20 देश फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आने चाहिए। हमें उनकी लगाम कसनी होगी। देन वी विल बी द वर्ल्ड रूलर्स। सो गेट रेडी गाइस, इस मिशन के बाकी सभी मैटर्स को डैडी संभालेंगे। आखिर आपकी पुलिस कर क्या रही है? मैं आपसे कब से कह रहा हूं, ऑफ कोर्स मुझे वो जानकारी जल्दी चाहिए। ओके, भाई डैडी को किसने अरेस्ट किया? अभी मनु नाम का नया एसआई आया है। ये बात कल रात को हुई तो अब तक आप क्या कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं, मेरा एक्शन कितना खतरनाक होता है ये देखने के लिए तैयार रहो। ओके भाई, मैं डैडी को ढूंढ निकालूंगा। स्टेट से लेकर सेंटर तक सबको अलर्ट कर दिया है, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। थोड़ा वक्त दो भाई, तुम मत आओ। विकी, हाँ भाई, इन मंत्रियों के भरोसे नहीं रह सकते, इंडिया जाने का इंतजाम करो। ओके, तुम अभी कहां पर हो? साहब वो तो मैं गांव आया हूँ। तुम्हें पता है हमारे गांव का हेडमास्टर अरेस्ट होने के बाद लापता हो गया? सर आप होम मिनिस्टर हो, हेडमास्टर की चिंता काय को कर रहे हैं? इस हेडमास्टर के लिए दुबई से भाई का फोन आया था। भाई का? हाँ। आप चिंता मत करो सर, मैं उसे ढूंढ लेंगा। सर, एनीथिंग सीरियस? यस। तुम्हें 9/11 याद है? याद है सर। 26/11? कैसे भूल सकता हूँ सर। अटैक्स तो हो ही रहे हैं और हम कई लोगों को पकड़ भी रहे हैं। हाँ सर। 9/11 होने के बाद हमने एयरफोर्स को अलर्ट किया, लेकिन वो पानी के रास्ते से आ गए। नेवी को अलर्ट किया तो वो लोगों के बीच में आ गए। मुझे शक है कि इसके पीछे जरूर कोई मास्टर माइंड है जो ये सब ऑपरेट कर रहा है। पिछले 8 साल से हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मास्टरमाइंड का? यस। पता है 26/11 के अटैक के वक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी को डीकोड करने के बाद सिर्फ एक ही नाम सामने आया था, मोहम्मद गुल अफजल खान। वो कैसा दिखता है, कहां छुपा है, किसी को कुछ नहीं पता। अगर मेरा शक सही है तो वही आदमी मास्टरमाइंड है। तो उसे कैसे पकड़ा जाए सर? ये फाइल उसके लिए है। कल रात महाराष्ट्र में एक इंसान को 7 पासपोर्ट्स के साथ गिरफ्तार किया गया था, पर अब वो फरार है। उन पासपोर्ट्स में से एक पासपोर्ट पर नाम था मोहम्मद गुल अफजल खान का। तो वो शख्स यही है क्या सर? पता नहीं, लेकिन अगर ये वही है तो 24 अक्टूबर को होने वाले ऑपरेशन के बारे में हमें सारी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड यही हो सकता है। हेलो मीनाक्षी। हेलो सर। यू हैव टू इमीडिएटली शिफ्ट टू कोल्हापुर। ओके सर, आई विल गो। नमस्ते सर। गुरुमूर्ति जी, आप यहाँ स्कूल शुरू हुआ तब से हो ना? हाँ हूँ सर। तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? उन्होंने हमें सिर्फ स्कूल और बच्चों के बारे में ही बताया है सर, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। मूर्ति जी, ये स्कूल की जगह किसकी है और चलाने के लिए पैसे कहां से आते थे? उनके अकाउंट के बारे में हमें पता नहीं है सर, वो खुद ही देखते हैं। भीम सर, गुरुमूर्ति जी को साथ ले जाओ। और ये जगह किससे खरीदी गई, रजिस्ट्रेशन कब किया गया या फिर किया भी है या नहीं, वो अकाउंट कहां पर रखता था, ये सारी डिटेल्स मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। ओके सर। मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। मुझे क्या वो स्कूल के अलावा कहीं और जाता था?
वो किसके पास जाएगा? हाँ, वो गर्मी के छुट्टियों में योगा सीखने के लिए ऋषिकेश जाता था। ऋषिकेश? गुड मॉर्निंग मैम। स्ट्रेट टू द पॉइंट, हेडमास्टर को कब अरेस्ट किया था? रात 12:30 बजे। और सुपीरियर को कब इन्फॉर्म किया तुमने? 1:30 बजे मैम। हमला कितने बजे हुआ था? 2 बजे के करीब मैम। तो कुल मिलाकर 1.5 घंटे में वो अरेस्ट हुआ और वो भाग गया। अब तक तुम्हें किसी पर शक है? नहीं मैम। क्या किसी ने देखा? नो मैम। उस वक्त हेडमास्टर ने किसी को फोन किया था क्या? चांस ही नहीं है, मैं उसके बगल में ही खड़ा था। तो हमला करने वालों को इन्फॉर्मेशन किसने दी? भगवान ने? पता नहीं मैम। डोंट बी स्मार्ट, एटलीस्ट उन्हें पकड़ने की कोशिश तो की होती। मुझे पहले ही गोली लगी थी, हमले में गाड़ी भी खराब हो गई थी, करीब करीब नामुमकिन था। तब मैंने हाईवे के सभी चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दिया था, ट्रैक हो गया था, लेकिन पकड़ नहीं सके। तुम्हारा लॉजिक बहुत अच्छा है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद तुम लीव पर चले गए, इसीलिए शक की सुई तुम पर भी जाती है। मैम, मैंने पर्सनल लीव नहीं ली, प्रोफेशनल लीव ली है। आई एम ऑन ड्यूटी। 24 घंटों में मैंने उसकी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। इस फाइल में हेडमास्टर के स्कूल के डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स सब कुछ है। छानबीन में एक दिलचस्प बात पता चली कि वो हर गर्मियों में ऋषिकेश जाता था। ये आपके आश्रम में आते हैं? ये हर साल आते हैं सर। क्या इनसे यहाँ पर कोई मिलने आता था या फिर ये किसी से मिलने जाते थे? यहाँ कोई नहीं आता था, ये हर शनिवार रविवार को बाहर जाते थे, सोमवार को वापस आ जाते थे, बाकी उनके बारे में कुछ नहीं जानता। उन पासपोर्ट्स की मदद से वो दूसरे देशों में आता जाता है। मैं एक साधारण ईसाई हूँ, सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन वहां से जानकारी जरूर मिलेगी। वी शुड गेट ऑल द फुटेजेस एंड इंक्वायर देम। गुड जॉब। थैंक यू मैम। द केस विल बी टेकन ओवर बाय NIA और हम साथ काम करेंगे। ओके मैम। यू मे लीव नाउ। बाय द वे मीनाक्षी नायर, नाइस मीटिंग यू मैम। इस ऑफिसर पर नजर रखो। मैडम, अभी तो आपने उसकी तारीफ की, फिर अचानक ऐसे? हम क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं और ये क्रिमिनल के बैकग्राउंड को ढूंढ रहा है। ये पुलिस वाला होकर CBI का काम कर रहा है, या तो ये अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, या फिर ये क्रिमिनल्स की मदद कर रहा है। राजा राम सर, NIA की टीम गाँव में है। हाँ सर। ये केस अब उनके हाथ में है, तो हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हाँ ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। बहुत थके हुए लग रहे हो। डर लग रहा है क्या? दुखी हो रहे हो या फिर मुझे खुश करने वाले हो? जरूरत नहीं है सर, आप ऋषिकेश जाते हो, वहां से सारी दुनिया घूमते हो, हमें सारी जानकारी मिल गई है, केस ऑलमोस्ट बंद होने ही वाला है। जरा आराम से खाइए। ये सिंपल से कपड़े, चश्मा, मासूम चेहरा और उस पर हमेशा मुस्कुराहट, मुझे आपको देखकर सैल्यूट करने का दिल करता है। मुझे अभी भी लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान? ओसामा बिन लादेन, उसे जानते हो? उसे देखकर लगता है कोई प्रवचन देने वाला बाबा है। चार्ल्स सोबराज, वो एक मॉडल की तरह दिखता है। उन दिनों लड़कियां उसकी दीवानी थी। हर एक इंसान में कोई ना कोई शैतानी ताकत छुपी होती है और सिर्फ वही इंसान जानता है कि वो ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर बाहर आ गई ना तो सही नहीं होगा। ठीक है, ये सब छोड़ो। तुम एक अनार्थ हो, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुम कोई कमिश्नर नहीं हो, कोई SP नहीं हो, तू एक सिर्फ मामूली SI है। मुझे अरेस्ट करके तुम्हें मेडल तक नहीं मिलेगा तो आखिर तुम क्या दिखाना चाहते हो? इस दुनिया में जिन्होंने भी कुछ अच्छा कर दिखाया है, उन इंसानों का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी,
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम जरू, वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये पोजीशन या पर्सनालिटी देखना छोड़ो, कैपेसिटी देखो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझ में कितनी है। हसले हसले, 5 दिन इंतजार कर, तेरी ज्योग्राफी हिस्ट्री सब बाहर निकाल लूंगा, तब तक तू मजे कर ले। ऑल द बेस्ट, खाना बहुत अच्छा है। घर का खाना है, सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने खुद पकाया है। हेलो, इतना ख्याल अगर रख ही रहे हो तो बंगाल का समंदर पार करने में मेरी मदद करो, और मुफ्त में नहीं, कीमत चुकाऊंगा। कीमत चुकाऊंगा मतलब तुम्हें मेडल या प्रमोशन देना नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां कोई काम किए बिना ऐश करेंगी ऐश। ऑफर अच्छा है लेकिन मैं ले नहीं सकता क्योंकि मैं करप्ट ऑफिसर नहीं हूं। टेक केयर, ज्यादा टाइम नहीं है, फेस स्कैन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हेडमास्टर का फुटेज जल्दी से अलग करो। कम ऑन क्विक। ठीक है, आउट। ठीक है सर, चलो जल्दी बाहर चलो चलो। अभी आ रहा हूं। क्या कर रहा है? चलो अभी। हाँ चलो। हाँ आ रहा हूं, ये देखो। क्या? जूम करो। देखो इस टकले को क्यों देखा? मैंने इसे तो कभी नहीं देखा। अच्छा, कौन है ये? पड़ोस के गांव का राघव राव है, ये शहर में काम करता है सर। चलो। ओके। राघव राव आप ही हो? हाँ, आप कौन? मैं कोल्हापुर का एसआई। नमस्ते सर, मैं पड़ोस के गांव से हूँ। जानता हूँ। हेडमास्टर को आप कैसे जानते हो? हेडमास्टर एक महान इंसान है, मुझे ये नौकरी उनकी वजह से ही मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाया भी है, बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी लाए थे और उसके दिसंबर में शादी होगी साहब। हमारे हालात बहुत ही बदतर थे साहब, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, इसलिए कभी कभार बीच बीच में मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ। उनके साथ ऐसी घटना घटी उसका मुझे बहुत अफसोस है। आखिरी बार आप उनसे कब मिले थे? 15 अगस्त को सर। उन्होंने कोई लिफाफा दिया? लिफाफा? ये लिफाफा। हाँ, मेरी बेटी की डिलीवरी के वक्त उन्होंने मुझे इस लिफाफे में पैसे दिए थे। वो मुझे ही नहीं सर, वो सब लोगों की मदद किया करते हैं। ओके, जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है सर। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको वहां आना पड़ेगा। हाँ सर, मैं कॉल करूंगा। ठीक है सर, आप यहीं रहिए। हाँ, हम चले जाएंगे। इनकी तलाशी ले लो, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? इनकी बेटी को स्टेशन में ले आओ, बाकी जानकारी वो वहीं दे देगी, ठीक है ना? बताता हूँ सर, इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है सर। ये पूरा व्यापार एक कोड नंबर से ऑपरेट होता है सर। पर्स, पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इस पूरी बिल्डिंग में कितने पैसे हैं? तकरीबन 3,000 करोड़ होंगे सर। 3,000 करोड़? हेडमास्टर का इससे क्या संबंध है? वो मुझे नहीं पता सर। सर बॉम्ब सर, जो यहां से निकलो। आ, 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 आ,
आखिर तुम हो कौन? हजारों करोड़ का काला पैसा, लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, एक स्विच दबाते ही बॉम्ब फटने लगता है। क्या प्लान है तुम्हारा? कौन हो तुम? आतंकवादी, माफिया या मोइस्ट हो? मेरे देश में क्या कर रहे हो तुम? जंग! हम दुनिया पर राज करेंगे। जंग जरूरी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी की यहां कोई कीमत नहीं। इन लोगों के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये मेरी जंग है। इस पूरी जंग की नींव मैंने रखी है। हर कोई जीतने के लिए खेलता है, लेकिन कोई एक ही जीतता है और वो एक मैं हूं। सिर्फ मैं हूं। अभी शिकार करने वाला शेर, काटने वाला सांप, हमला करने वाला गिद्ध, ये सब हर जगह मिलते हैं। तुम उन सब का सामना नहीं कर सकते। निकल जाओ यहां से, कहीं दूर चले जाओ। मैं कहीं क्यों जाऊं? देखेंगे देखेंगे कि कौन जीतता है। अब तक तो मैं सोचता था कि तुम कौन हो, लेकिन आज के बाद मैं ये सोचूंगा कि तुम किस लिए हो। तुम्हारे पीछे कौन कौन है ये मैं ढूंढ निकालूंगा। शेर, सांप, गीदड़, जिनके बारे में तुमने बात की, उन सबको मारकर तुम्हारी जंग की नींव बर्बाद कर दूंगा। और ये अभिमन्यु कैसे जीतता है ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तजुर्बे से कहा गया, हर एक शब्द अमूल्य होता है। तुम मेरे साथ रहे हो इसलिए कहता हूं, मत करो, अपनी ये जिद छोड़ दो। जिद्दी इंसान राजा की भी नहीं सुनता, लेकिन राजा ही जिद्दी हो तो क्या? आगे देखना हो तो वेट एंड सी। ये डर, तुम्हारी आंखों में डर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है, डैडी को तुमने ही छुपाया है, उन्हें चुपचाप मेरे हवाले कर दो वरना। सुना है तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हारी बीवी अभी मंदिर गई है ना। जाओ, वक्त बहुत कम है। राजा राम, फोन उठाओ। राजा राम, राजा राम, you
राजाराम। सर मुझे गर्व है, मैं आपके साथ इस केस का हिस्सा हूँ। आप जीतेंगे सर, जरूर जीतेंगे, मुझे विश्वास है सर। राजाराम, राजाराम, राजाराम। क्या हुआ, रो रहे हो क्या? तुम्हारी बीवी को मार डालना चाहिए था, पर मैंने उसे छोड़ दिया। डैडी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अगली बार तेरी बीवी की बारी। तुमने राजाराम को मार दिया। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, हमारे साथ ही खेल खेला। गुड जॉब, ज्यादा होशियारी मत करो। गिव मी अ फोन। कितने में सौदा पक्का किया है तुमने? तुम्हारे साथ डिपार्टमेंट से और कौन कौन है? एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को भगाना जानते हो कितना बड़ा जुर्म है? बताओ वसीम भाई कहां है, उसका क्या प्लान है? फोन उठाओ, स्पीकर। मुझे बताओ मेरे डैडी को कहां छुपा के रखा है? जल्दी से पता लिख ले। राजा मंडी हॉस्पिटल रोड, चक्रवर्ती थिएटर का पता कोई भी तुझे बता देगा। बाहर एक नो एंट्री बोर्ड है, कंफ्यूज मत होना। फिल्म शुरू होकर बहुत वक्त हो चुका है, 5 मिनट में आएगा तो तुझे डैडी मिल जाएंगे, नहीं तो फिर वो तुझे कभी नहीं मिलेंगे। ये क्या किया तुमने? उसे यहाँ का एड्रेस क्यों बताया? वेट एंड सी। It's time to put in work, better now, before I get put in the dirt. Another sucker, just got his feelings hurt. Try to diss, but got exposed in sudden burn. छोड़ूंगी नहीं अभिमन्यु। बस करो अभिमन्यु, अब तक जो किया बहुत है। अभिमन्यु अब सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी शादी भी हो गई है, अपनी बीवी के बारे में तो सोचो। सुन, तू ये जॉब छोड़ दे, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये केस एनआईए को सौंप दे, वो लोग इसे सॉल्व करेंगे। तुझे कुछ हुआ तो हम सह नहीं पाएंगे। तुम्हारी ईगो हर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरा सोचो। शिखा तुम ही इसे समझाओ कि ये केस एनआईए को सौंप दे। तुम क्या सोच रहे हो, इस केस को छोड़ू कि ना छोड़ू? छोड़ दो। जिस दिन से तुमने ये केस लिया उस दिन से मैं डरी हुई रहती हूँ। इस केस को सुलझाने से भी ज्यादा मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए डरी रहती हूँ। राजा राम को एक एक सांस के लिए तड़पता देख मैं और भी डर गई। भगवान ना करे कि एक दिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं। पर राजा राम को आखिरी सांस तक विश्वास था कि तुम अपनी जान की थोड़ी सी भी चिंता ना करके ये जंग लड़ोगे, और तब मुझे हिम्मत आई। एक कांस्टेबल होकर भी उसे तुम पर इतना विश्वास था,
तो फिर मैं तुम्हें ये केस कैसे छोड़ने दूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, डर कर भागने से अच्छा तो मर जाना होगा। तुम ये केस मत छोड़ना। शिखा की बात से एहसास हुआ हम कितने स्वार्थी बन रहे थे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ। एक मिनट रुको। अपना हाथ आगे करो। तूने सोचा भी नहीं था ना, मैं तो तुझे कब का मार डालता। तू अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि मेरे डैडी तेरे पास है। तुझे पता है हम कौन है, ये अंडरवर्ल्ड क्या है? तुझे हमारी कैपेसिटी का अंदाजा भी है क्या? सिर्फ एक पलक झपकते ही हम दुनिया के सारे देशों को मिटा सकते हैं, और तू हमारे साथ खेल खेल रहा है। चल बता डैडी कहाँ है, बताता है या तुझे मार दूं। अगर मैं अभी नहीं गया और डैडी को नहीं लाया तो तुम एक मिनट में मुझे मार दोगे।
मेरी बीवी अकेली पड़ जाएगी, दोस्तों को दुख होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर फिर भी मैं अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरे देश में ऐसा क्या है, इसकी हवा में, इसके पानी में। मुझे पता है जिन जिन लोगों ने देश के लिए जान दी है उनकी जिंदगी में भी ये पल आया होगा। जो लोग डरे वो घर पर बैठ गए, पर जो लोग सामने आकर लड़े उन्हें इतिहास ने याद रखा। आज अभी इसी पल मैं उठकर लड़ूंगा, सामना करूंगा, चुनौती दूंगा। Don't worry, he is safe. Sure? Thank you. Meenakshi? Yes, sir. Where is Abhimanyu? He's in ICU. Okay. Ye case ki file hai, sir. Let's go. Okay, sir. What's happening? Why do we have to believe this Abhimanyu? Meenakshi Nair. जब तक इन्हें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते, इंटरपोल कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। हमें इन्हें इस सब के बारे में कोई प्रूफ देना होगा। सर, प्लीज कम विद मी। ओके। ओके। वसीम भाई, द मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल। वो यहाँ क्यों है? इट्स नॉट सेफ। डोंट वरी सर, हॉस्पिटल इज अंडर कंट्रोल। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ओके। सर, अब तो हम इस केस को सीरियसली लेंगे ना? Yes, मैं अभी हाई कमांड से बात करता हूँ। अगर वो नहीं सुने तो मैं पीएम से बात करूंगा। कल सुबह तक इस बारे में सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। हाँ सर। I'll take care of all the international operations. All the best. Thank you. Send official letter to NIA. I'll proceed further and talk to all prime ministers and presidents all over. Okay. I'll arrange it as soon as possible. कोलापुर के हेडमास्टर के सनसनी खेज का आज खुलासा होने वाला है। ये हेडमास्टर कौन है? उन 7 पासपोर्ट्स के साथ उसका क्या संबंध है? वो दोषी है या निर्दोष है? ऐसे कई सवालों का आज जवाब मिलने वाला है। फिलहाल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मीटिंग के बाद मैं मीडिया को सारी जानकारी दे दूंगा। सब कुछ तैयार है। ओके सर। चीफ मिनिस्टर और सारे ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए हैं। हम भी 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मुझे जाना होगा। गुड मॉर्निंग मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी और यहाँ आए सभी मंत्री और अधिकारी, आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कोल्हापुर गांव से लेकर राजधानी दिल्ली तक सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, हेडमास्टर कौन है? और जवाब यह है, अर्जुन प्रसाद, CFO ऑफ द अंडरवर्ल्ड, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। माफिया उसे प्यार से क्या पुकारता है? डैडी। फाइनेंस मिनिस्टर जी, अपने राज्य का बजट कितना है? 2,00,000 करोड़। और ऑडिट कितने लोग कर रहे हैं? 120 लोग। अंडरवर्ल्ड का बजट पता है? 200,00,000 करोड़। 2,00,000 करोड़ का ऑडिट करने के लिए 120 लोग लगते हैं।
तो फिर 200 लाख करोड़ का ऑडिट करने के लिए कितने लोग लगेंगे? एक, सिर्फ एक ही इंसान। दूर दराज एक जगह पर कोल्हापुर जैसे एक छोटे से गांव में एक छोटे से ऑफिस में बैठकर सिर्फ एक ही लैपटॉप से स्टॉक मार्केट और सब कुछ बदल देता है। बॉम्ब ब्लास्ट करवाने के बजट से लेकर ISI के पूरे बजट तक, IPL मैच के बजट से लेकर इलेक्शन फंड के बजट तक, सारे गणित का फैसला वो सिर्फ एक टेबल पर बैठकर करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसने अंडरवर्ल्ड के लिए एक अलग बैंकिंग सिस्टम बनाया है और उसके सारे ऑपरेशंस वो यहां से कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं? पार्किंग लॉट में मरे हुए एक वॉचमैन से मुझे एक ATM कार्ड मिला। उस कार्ड ने इस केस को एक नया मोड़ दिया। ये एक साधारण ATM कार्ड है। उसके डेटाबेस में कोई भी अकाउंट डिटेल्स नहीं थे। कार्ड काम नहीं कर रहा था। जब मैंने उसके ऊपर का स्टिकर निकाला तो अंदर एक ब्लैक कार्ड था, हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ कार्ड। मैंने CCTV फुटेज में देखा, वॉचमैन ने यह कार्ड एक पान वाले को दिया। पान की दुकान की तलाशी लेने के बाद मुझे यह स्वाइपिंग मशीन मिली। पान वाले की दुकान में हजारों, कपड़ों की दुकान में लाखों और पार्किंग लॉट में करोड़ों का कैश। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह स्विस बैंक से भी बड़ा बैंकिंग सिस्टम चला रहे हैं। और आपको एक बात पता है, ये सब दुबई के काबा टावर्स में बैठी सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के देखरेख में हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे होम मिनिस्टर साहब का भी इसमें एक बहुत बड़ा अकाउंट है। सर, क्या मैं आपका पर्स देख सकता हूँ? ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपना पर्स तुम्हें क्यों दूँ? विवेक, मैं इसी ब्लैक कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अर्जुन प्रसाद ने बनाया हुआ अंडरवर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम है। देखिए, अंडरवर्ल्ड में हुए सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के डिटेल्स इसके अंदर हैं। इसके सर्वर सारी दुनिया में लगे हुए हैं, 700 कॉन्टिनेंट के अलग अलग शहरों में, जिन्हें सिक्योरली मेंटेन किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी सर्वर्स के IP एड्रेस हर सेकंड बदलते रहते हैं। किसी के लिए भी इसे हैक करना नामुमकिन है, क्योंकि सारे पासवर्ड क्लाउड डेटाबेस में स्टोर करके रखे गए हैं। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। ये होम मिनिस्टर साहब का अकाउंट है और ये उनका बैलेंस और ये उनके कल रात के ट्रांजैक्शंस। हम इस बैंकिंग सिस्टम में सारे डिटेल्स देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने इस बारे में सबूत ढूंढना शुरू किया, पर कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन मुझे याद आया, उसने मुझे कहा था कि वह बंगाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो मैं कलकत्ता गया। मैंने वहां पूछताछ की तो पता चला कि यह अर्जुन प्रसाद 1987 बैच का CA टॉपर रह चुका है। अगर कोई भी जीनियस इंसान देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि करता है तो वो उसी वक्त क्रिमिनल बन जाता है, जैसे यह अर्जुन प्रसाद। लेकिन वो फोन कॉल्स कहां से आए थे? यस, असली केस शुरू हुआ था एक अनजान कॉल से। एक इतना बड़ा जीनियस एक छोटे से अनजान कॉल से पकड़ा कैसे गया? इस बात पर मैंने सोचा। इसकी जड़ तक जाने के लिए मैंने सारे कॉल्स को डीकोड करवाया और एक दिलचस्प बात पता चली। वो ये थी कि ये फोन कॉल्स करने वाला इंसान था अर्जुन प्रसाद। What? सुनो, केस में थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए। पहले तुम स्कूल के हेडमास्टर को माफिया डॉन कहते हो, बाद में उसे गोल्ड मेडलिस्ट कहते हो, अब कहते हो फोन कॉल उसी ने किए थे। तो क्या वो कोई जादूगर है? आप उनसे क्यों नहीं सुन लेते? नमस्ते, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेन जी का शिष्य हूं। जो सीख उन्होंने मुझे दी, उनकी सलाह और दिखाया हुआ मार्ग ही मुझे यहां तक लाया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? कम इन। हाय अर्जुन। हाय। इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी। इट्स ओके। सर, ये मेरा थीसिस है अंडरवर्ल्ड के बारे में। 3 साल की मेहनत है। प्रोजेक्ट यू। प्रोजेक्ट यू? यस सर। 93 के मुंबई धमाकों में हमने अपने परिवार गवाए, आपने आपके पैर गवाए। उस हादसे के बाद अब एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं सर। कोई बाहर से आया और बम धमाकों से सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर गया। क्या हमें वो याद करके मायूसी में जीना चाहिए? फाइनेंशियल क्षेत्र में आपको कितने अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले हैं सर। मैं तो
सीएमए गोल्ड मेडलिस्ट हूं। क्या ये सही है कि हम सब इस मजबूरी में जिए सर? ये तो अन्याय है सर। तो फिर तुम्हारी क्या इच्छा है अर्जुन? सर, आपने अपनी हाल ही में छपी किताब में तीसरे महायुद्ध के बारे में क्या लिखा है? उस बारे में अब क्या बात करें? जरूरी है सर, आप प्लीज बताइए। दूसरे महायुद्ध को हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। सारी कंट्रीज इस कोशिश में लगी हैं कि तीसरा महायुद्ध ना हो। वे सभी बहुत से समिट और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पर उन्हें एक बात का पता नहीं है कि तीसरा महायुद्ध तो कब का शुरू हो चुका है। उसका नाम है अंडरवर्ल्ड। वो हमारे साथ सफर कर रहा है और हमारे अंदर डर बसाकर हमारे आर्थिक बाजार को नुकसान पहुंचाकर हमें गुलाम बनाना चाहता है। ये तीसरा महायुद्ध है और इसने पैदा किया टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट। यस सर, आप बिल्कुल सही हो सर। तभी इसे रोकने के लिए मैंने दिन रात बहुत मेहनत करके ये हथियार बनाया है सर, ये प्रोजेक्ट यू। सर, हमें अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ना होगा, पर वो लड़ाई हथियार से मुमकिन नहीं है, विचारों से है। विचारों से मुमकिन है सर। वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने उनका फाइनेंशियल मार्केट खत्म कर दिया तो अमेरिका में काम कर रहे मेरे एक दोस्त की जानकारी के हिसाब से वो सारे कैश को कन्वर्ट कर रहे हैं एक डिजिटल फॉर्मेट में। मतलब आने वाले दिनों में सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सिर्फ ऑनलाइन के जरिए होंगे, कैश से नहीं। अगर हम अंडरवर्ल्ड में होने वाली सभी पैसों की हेर फेर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल बैंकिंग सिस्टम बना के और एक दिन सही वक्त आने पर अगर हम उसे खत्म कर दें तो सर, तो वो अंडरवर्ल्ड के ऊपर सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होगा। एक्सलेंट अर्जुन, तुम्हारा प्रोजेक्ट यू, तुम्हारे विचार और तुम्हारी योजना अद्भुत है, लेकिन इस योजना को मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? सर, हम ये प्रोजेक्ट सरकार को देते हैं। वो एक आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग देकर अंडरवर्ल्ड में भेजेंगे और वही ऑफिसर ये सारी चीजें लागू करेगा। नामुमकिन है अर्जुन। सर, यह इसलिए कि एक इंसान को अपनी ये जंग अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़े ही लंबे समय तक उसे करती रहनी होगी। हाँ, तो फिर बैंकिंग सिस्टम के बारे में, आर्थिक बाजार के बारे में एक आईपीएस ऑफिसर को क्या पता होगा? पर सर, ये जंग तुम्हें लड़नी होगी। मुझे? प्रोजेक्ट यू? नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। हम इसे सरकार को दे देते हैं। तुमने ये प्रोजेक्ट सरकार को दिया तो वो अंडरवर्ल्ड के पास चला जाएगा। ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें करना होगा। तुम्हें सर, हम इस बारे में कल बात करते हैं ना सर। प्लीज सर, अर्जुन, नहीं सर। भगवान अर्जुन, मुझे पता है मेरी मौत का तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन दुख को आंसुओं में नहीं, कर्तव्य में बदलो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्या करने के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हें मौत का सामना करने के लिए कह रहा हूं। जो कभी सिपाही नहीं बन सकता, उसे युद्ध के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें यह कहने से पहले मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ी। अगर मेरी मौत से देश के लिए या तुम्हारे दिल में कोई चेतना जागृत हो जाए, मेरी मौत तुम्हें अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए प्रेरित करे, तो लड़ो और प्रोजेक्ट यू शुरू करो। अर्जुन, भविष्य में तुम्हें जो जीत हासिल होगी वो मैं अभी देख रहा हूँ। मैं एक और आखिरी बात कहना चाहता हूँ। देश के लिए एक होशियार इंसान का खामोश रहना सैकड़ों अत्याचार करने वाले लोगों से खतरनाक होती है। लव यू अर्जुन, सिद्धार्थ सेन।
उस घर से चला गया और 1996 में मैं मुंबई के डॉन के पास अकाउंटेंट का काम करने लगा। 2 सालों में उनको मुझ पे भरोसा हो गया। 2000 से लेकर 2004 तक अंडरवर्ल्ड के लिए मैंने बैंकिंग सिस्टम तैयार किया। 2005 में कोल्हापुर में मैंने स्कूल स्टार्ट की और वहां से मैं ये सारा सिस्टम ऑपरेट करने लग गया। इनके दिए हुए पेन ड्राइव से हमें अंडरवर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। इंटरपोल की मदद और पीएम के सपोर्ट से हम उन लोगों को अरेस्ट कर पाए और प्रॉपर्टी सीज कर पाए। काम अब भी जारी है। Hey, हमारा फोन दो। भाई, विकी, जो ब्लास्ट प्लान किया था उसे पूरा करो। आपके सब अम्बलस भाई। फ्लाइट टिकट के लिए पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग काम नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ अंडरग्राउंड हो गया हूँ। अच्छा होगा कि आप भी कहीं निकल लो। और वसीम भाई हमारे कब्जे में है। तकरीबन 2300 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। 2 करोड़ मिलियन रुपीस सीज्ड। फाइनली फाइनेंशियली अंडरवर्ल्ड इज क्लोज्ड। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा सपना है। इसीलिए इतने सालों से मैं एक बेनाम की जिंदगी जी रहा हूँ। अब मेरा सपना पूरा हो गया और आज मैंने मेरा लक्ष्य पा लिया। वो जिसने सामने आकर मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होने में मेरी मदद की, वो मैं नहीं हूं। ये है ये जवान और जाबाज पुलिस ऑफिसर अभिमन्यु। ये अभिमन्यु की जीत है, इसकी जीत है, ये इसकी जीत, इसकी कामयाबी। इट्स अ ग्रेट जॉब। वेल डन अभिमन्यु, मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसा ऑफिसर डिपार्टमेंट में है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सब कुछ किया है। एक बात आप सबको पता नहीं है। नहीं, बट इन्होंने मिशन पे जाने से पहले इनके 2 साल के बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ा था। इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे 33 साल इन्होंने प्रोजेक्ट यू पूरा करने में लगा दिए और प्रोजेक्ट यू खत्म होते ही ये शहर में वापस आ गए इनके बेटे को देखने के लिए। अनाथ आश्रम में पूछताछ की, जब इन्हें पता चला कि अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए इनका बेटा पुलिस में भर्ती हो गया है, तो इन्होंने उसकी पोस्टिंग कोल्हापुर पुलिस स्टेशन में करवा दी। 15 अगस्त को इन्होंने इनके बेटे की देशभक्ति देखी, गांव के लोगों की समस्या सुलझाने की क्षमता देखी। ये समझ गए कि चुनौती देने पर वो कोई भी काम कर सकता है, इसलिए इन्होंने उसे 7 पासपोर्ट्स में आदमी कौन है ये ढूंढने की चुनौती दी। मैंने ढूंढ लिया। मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूं, बहुत तकलीफें झेली, खाने को कुछ नहीं था, समझ में नहीं आता था कि किससे कहूं। सोचता था अगर मेरा बाप मुझे मिले तो उनका गिरबान पकड़ के उनसे पूछूं कि अनाथ आश्रम में रखना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया आपने। लेकिन आज मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पिता अर्जुन प्रसाद हैं, सीए बैच टॉपर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। आपका त्याग जाया नहीं गया बेटा। अभिमन्यु बाबा, कॉल द एम्बुलेंस। बाबा बेटा, सुजरा सुफरा, बाबा, लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी को भी दांव पे लगाना पड़ता है बाबा।